दिखाई दे रहा यह नजारा है औरैया के मजरा नगला चिंताई का, जहां पर मनरेगा में काम के बाद भी कई मजदूरों के रुपए नहीं मिले हैं। दूसरी ओर सरकारी पोस्ट में कार्यरत व्यक्तियों के परिजनों को बैंक खातों मनरेगा मजदूरी भुगतान करते हुए हजारों रुपए खातों में डलवा दिए हैं। हम आपको बता दें कि गांव में कई शौचालयों को सिर्फ कागजों पर ही बनाए गए हैं, जमीनी स्तर पर गायब है। इतना ही नहीं, गाँव में बारात घर, खलिहान एवं तालाब पर भी अवैध कब्जा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हम लेखपाल के पास गए तो उनने क्या कही कि कोई मकान घेरो, तो गए उनके पास तो उनने कहा कि ऐसा कोई मर गया कि नहीं मर गया नहीं, कहा हमें तुम्हें दे। लेखपाल का नाम बता सकते, किस नाम? लेखपाल का है शिव सागर। शिव सागर जी ने कहा कि कोई घर पे मर गया है कि नहीं? मर गया कि कोई नुकसान है कि नहीं, कर दो कहीं कर दो बस पूछो। भाई किसान आदमी के पास में कितनी जमा पूंजी होगी? जब आदमी गरीब होगा तभी आर्थिक मदद मांगने के लिए सरकार के पास जाएगा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक मदद चाहिए आपको शासन के द्वारा? चलिए शिक्षा मित्र के पद पे हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक और अन्य टीचर कितनी तैनाती है? इसमें प्रधानाध्यापक शीला चौधरी और सहायक अध्यापक विक्रम प्रताप सिंह, दो अध्यापक और तीसरे तुम हो, तीन लोगों की तैनाती है टोटल। ये लोग इस समय कहाँ पे हैं? बेंजी जी अभी हाल चले गए। स्कूल के बजे से स्कूल के बजे से स्कूल के बजे तक का है? 9 से 3 बजे। अभी कितना बज रहा है फिलहाल? 2 बजे लगभग। प्रधानाध्यापक इस समय कहाँ पे हैं? अभी हाल बहन जी बच्चे रोने लगे बच्चे के साथ। और दूसरे अध्यापक महोदय कहाँ हैं? दूसरे अध्यापक आए नहीं है। पत्राचार रजिस्टर में दर्ज है क्या? पत्राचार में दर्ज है। पत्राचार में दर्ज नहीं है भाई, पत्राचार रजिस्टर में तो दर्ज होना चाहिए, तबीयत खराब है या कुछ भी है। सर एक जानकारी देना, ये जो स्कूल की दयनीय दशा देख रहे हैं, किस कारण है, क्या कारण रहा कि इसकी रंगाई पुताई, और आप देख रहे हैं आपके पीछे बिल्कुल जस्ट रंगाई पुताई अभी बहन जी ने जो पूरी ये रंगाई पुताई दिखाई दी थी वो करवाई थी, जबकि ये चूता है इसलिए जो इसमें जो है ये दिखाई देता है इसके लिए नहीं। आपके जस्ट पीछे साफ सफाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप नजर घुमा कर देख लीजिए कि जाले से पटा पटा हो चुकी है, पुताई हो चुकी है, वो प्रत्यक्ष क्या है, वो जब चूता ऊपर से पानी आता है। दादा चूता बात अलग है, चू रहा है पानी और मकरी का जाला लगा हुआ साफ सफाई का। नमी आएगी तो ऐसा ही होगा, नमी से जो है, जबकि तुमको ऊपर दिखाए ऊपर अभी जो मरम्मत जो ईंटें जो लगी हैं उनको जो ऊपर से जो एक दीप करवाया इसीलिए करवाया गया है कि जो पानी अंदर ना आए सीमेंट। तो पानी आने की वजह से जाला लग जाएगा क्या, मकड़ी का जाला? तो कम से कम झाड़ू से साफ सफाई तो होती होगी। हाँ साफ सफाई तो होती है, इसके बाद भी जाला लगा पड़ा है पूरे स्कूल में दिख रहा है। चलिए ठीक है, इस समय कहाँ पर किस पोस्ट पर हैं? इस समय प्राथमिक विद्यालय नंगला चिंताई में प्रधान अध्यापक के पद पर पोस्ट हूँ। मैम स्कूल में गंदगी का ज़्यादा अंबार लगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जितना हमसे हो सका उतना किया, प्रधान से हम लगभग 4 बार इसी संबंध में फ़ोन कर चुके, वो बोलता है महीने में रोस्टर लगता है, बृहस्पति को यह नंबर लगाया तो उसने 1.5 महीने पहले, वो बृहस्पति बीता दोबारा फ़ोन किया फिर से रोस्टर, तब मैं उस दिन स्कूल में। कितने शिक्षकों की तैनाती है इस समय वर्तमान में? एक मैं हेडमास्टर, एक सहायक और एक शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र तो खैर पाया गया, लेकिन आपको भी बताया कि वो इस समय कहीं गई हुई हैं। सिंगनपुर गए हुए थे, अभी रास्ते से लौटे। मैं दूसरा अध्यापक जो आप बता रहे हैं वो इस समय कहाँ है, क्या इस समय काफी व्यथित स्थिति में है सर? तो उसका पत्र व्यवहार वाले रजिस्टर में तो दर्ज होगा जो भी स्थिति होगी? पत्र व्यवहार नहीं, उनका मेडिकल इकट्ठा लगा हुआ है पहले से। मेडिकल लगा हुआ है, कितने दिन से कितने दिन तक का? वो दवाई जब लेने जाते हैं 45-45 दिन के जैसे लगते हैं वैसे लगते हैं। प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपके? प्रमुख समस्याएं सफाई, गाँव वाले बिल्कुल सहयोग नहीं देते, प्रधान ने ये सब हमारा तोड़ फोड़ दिया है। प्रधान ने स्वयं तोड़वाया है? ये देखिए पाइप लगवाए हैं, ओवरहेड टैंक लगवाया है,
और नल जो पीने की स्थिति में था वो भी नहीं है इस समय, पानी हम पी भी नहीं पा रहे। प्रधान की लापरवाही में आप यहाँ पर पानी पीने तक को मोहताज हैं। बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी शासन प्रशासन को, आप अपने विभाग को? मेरे पर सिर्फ एक चीज, थोड़ा गांव वाले सहयोग करें, थोड़ा प्रधान सहयोग करें, थोड़ा प्रशासन। गांव वालों से क्या सहयोग चाहिए और शासन से क्या सहयोग? विद्यालय की सुरक्षा पे ध्यान दें, सफाई जितनी है उसे बनाए रखें। यहाँ हम पौधारोपण करते हैं, कोई चीज लगाते हैं, ग्रीन बोर्ड जब से लगे हैं यहाँ के बच्चे हैं बड़े, मैं नहीं जानती, मिट्टी फेंक फेंक के देखिए दिखाई दे रहा है, गीली मिट्टी फेंक कर उसे खराब करते हैं, कूड़ादान तोड़ दिए हैं यहीं के बच्चों ने, अब वो यहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, छुट्टी के बाद क्या करते हैं हमें जानकारी नहीं।